नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारत की राजव्यवस्था और राजव्यवस्था के इस बॉटम टू टॉप के सेशंस में मैं संविधान सभा के दो सेशन कर चुका हूं और संविधान सभा के इस तीसरे सेशन में मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मेरी ऐसी आशा है कि दो सेशन आपने देखे होंगे और वो दो सेशन आपको काफी पसंद भी आए होंगे, और यदि उन दोनों सेशन को आप पूरा देखेंगे तो उसके बाद आप इस थर्ड सेशन को आराम से अच्छे से कवर कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और मेरी उम्मीद है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं स्टार्ट करना हूं दोस्तों थर्ड सेशन। कौन सा सेशन दोस्तों? थर्ड सेशन। देखिए, बात कर रहे थे संविधान सभा की। संविधान सभा देखिए, संविधान सभा, मैं संविधान सभा की चर्चा करते करते पहुंच चुके थे हम लोग 1942 का क्रिप्स मिशन आ चुका था और उस क्रिप्स मिशन के बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे, और क्रिप्स मिशन की आलोचना मैंने बता दी थी आपको लास्ट सेशन में। और अब मैं बात करना चाहता हूं आगे 1942 क्रिप्स मिशन, भारत ने क्या किया? विरोध किया। इसके बाद क्या हुआ? क्रिप्स मिशन का विरोध करने के बाद ब्रिटेन पर लगातार दबाव बढ़ा और ब्रिटेन की स्थिति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और भी अधिक जर्जर हो गई। ब्रिटेन की जर्जर होती स्थिति और जापान के दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते हुए खतरे, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में जापान मलेई म्यांमार इन सब पर अटैक कर चुका था, फिलीपींस, तो इस कारण जापान को एक बड़ा डर सता रहा था कि अब वह भारत पर अटैक ना कर दे, और इसका खतरा भारत को भी था। दोनों तरफ से ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। इसके आगे मैं बात करूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, चूंकि मैं डायरेक्ट चल रहा हूं सीधा, आप कहेंगे कि सर 1942 से 1945 के बीच की घटना ही नहीं बताई आपने। दोस्तों, ये संविधान सभा का पार्ट नहीं है, ये आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। किसमें पढ़ेंगे? आधुनिक भारत में, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास अटेंड करेंगे। चलिए, 1945 6 अगस्त और 9 अगस्त, ये दो डेट दुनिया के इतिहास में काफी फेमस है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो बड़े शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो बड़े शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। कैसे बम दोस्तों? परमाणु बम, ध्यान रखना, अणु बम नहीं, परमाणु बम गिराए। नाम लगता है कि परमाणु बम बड़ा होगा अणु बम से, लेकिन ध्यान रखना अणु बम बड़ा होता है परमाणु बम से। दो परमाणु बम गिराए हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिनके निकनेम भी मिलते हैं हमें जब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह देखते हैं, हमने पढ़ा भी होगा, लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से। और इन दो परमाणु बमों का इतना भयंकर, इतना खतरनाक असर रहा कि आज भी इनका असर देखने को मिलता है। आज भी ठीक से वनस्पति नहीं उग पाती है, वनस्पति का वर्चस्व नहीं है आज भी वहां पर हिरोशिमा और नागासाकी में। इसी कड़ी में मैं बात करूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैं आपको दो चीजें बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था अपनी तरफ से, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर जापान के दो बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराए। क्यों गिराए? तो अमेरिका यह साबित करना चाहता था, अपनी शक्ति का एक तरह से वर्चस्व दिखाना चाहता था, अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था दुनिया के सामने। और दुनिया के सामने किसके सामने? तो अमेरिका यह जानता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने के बाद जर्मनी, जापान और इटली पूरी तरह तबाह हो चुके थे, तो अब अमेरिका के सामने नई ताकत के रूप में उभरेगा यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस। तो अमेरिका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था रूस के सामने कि अगर आने वाले टाइम में आपने भी अगर मुझे आंख दिखाने की कोशिश की तो मेरे पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि मैं किसी को भी तबाह कर सकता हूं। वरना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समाप्ति के समय यह परमाणु बम गिराने की आवश्यकता थी ही नहीं, जापान पहले ही हाथ खड़े कर चुका था। सिर्फ अपनी शक्ति का दिखावा करने के लिए अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों को परमाणु बम से तबाह कर दिया। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होते ही आप जानते हैं कि
हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे ही परमाणु बम गिरे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया दोस्तों इसी के साथ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद विश्व में एक नया दौर शुरू हुआ, और ये नया दौर क्या था दोस्तों? शीत युद्ध का दौर। ये ध्यान रहे दोस्तों, विश्व में एक नया दौर शुरू हो गया, उस दौर को हम जानते हैं शीत युद्ध के दौर के नाम से। और ये शीत युद्ध चला एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर, इन दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध चला। दोस्तों बता दूं जानकारी के लिए, शीत युद्ध कोई अस्त्र शस्त्रों और हथियारों से लड़ा गया युद्ध नहीं था, बल्कि शीत युद्ध एक वाक युद्ध था, एक स्नायु युद्ध था, जो आपसी विचारधाराओं के मध्य लड़ा गया, दो विचारधाराओं के मध्य लड़ा गया। और वो दो विचारधाराएं कौन सी? यूएसए की विचारधारा पूंजीवादी और यूएसएसआर की विचारधारा साम्यवादी। इन दो विचारधाराओं के मध्य, एक विचारधारा साम्यवाद और एक विचारधारा पूंजीवाद, इन दो विचारधाराओं के मध्य एक द्वंद्वात्मक युद्ध था शीत युद्ध, जो दोनों के मध्य विचारधाराओं के मध्य लड़ा गया। वाक युद्ध, स्नायु युद्ध, आपसी वार्तालाप से विचारधाराएं टकराई आपस में, जिसे हम शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। याद रहे शीत युद्ध कोई अस्त्र शस्त्रों से लड़ा गया युद्ध नहीं था। बात करना चाहता हूं मैं आगे पूंजीवाद और साम्यवाद के बाद। यूएसए जो पूंजीवादी गुट था और यूएसएसआर जो साम्यवादी गुट था, ये दोनों गुट दुनिया के सभी राष्ट्रों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे। पूंजीवादी यूएसए चाहता था कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश यूएसए के गुट में शामिल हो, और यूएसएसआर रूस चाहता था कि यूएसएसआर वाले गुट में सम्मिलित हो। ये शीत युद्ध चला 1945 से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद स्टार्ट हुआ, और ये चलेगा साहब सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद, सोवियत संघ के रूस के विघटन तक। और आपको पता होगा सोवियत संघ रूस का विघटन कब हुआ था दोस्तों? तो सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया था 26 दिसंबर 1991 को। देखिए 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ रूस का क्या हो गया था? विघटन। यूएसएसआर का क्या हो गया है दोस्तों? विघटन हो गया है। और जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यूएसएसआर जो था वो 15 गणतंत्र में बट गया, सॉरी माफी चाहूंगा 15, वैसे मैं गणतंत्र बोल दूं गणराज्य बोल दूं एक ही बात है, 15 गणराज्यों में बट गया। कितने गणराज्यों में बटा? 15 गणराज्यों में। कौन? यूएसएसआर। और जो ताकत दुनिया में यूएसए को टक्कर देती थी वो ताकत अब टूट चुकी थी, वो ताकत अब विभाजित हो चुकी थी। जो यूएसएसआर था वो 15 गणराज्यों में विभक्त हो चुका था दोस्तों। और 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, इसी के साथ दुनिया में एक ध्रुवीय दौर चला, और इस एक ध्रुवीय विश्व का नेतृत्व करेगा अब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एकमात्र वर्चस्व यूएसए का हो गया था सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया के ऊपर, जिसे अपन एक ध्रुवीकरण की राजनीति भी कह सकते हैं। चलिए आगे, इन 15 गणराज्यों में ध्यान रहे दोस्तों, जो सोवियत संघ रूस का स्थान मिला, जो यूएसएसआर का स्थान लिया, वो किसने लिया? रूस ने लिया। किसने लिया दोस्तों? रूस ने। और यूएनओ में भी जो यूएसएसआर की गद्दी मिली या यूएसएसआर की सीट मिली, वो दोस्तों किसको मिली? रूस को मिली। मेरे कहने का मतलब, यूएनओ में जो डबल वीटो यूएसएसआर को प्राप्त था, वो सीट अब मिल जाएगी रूस को 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद। रूस यूएनओ में यूएसएसआर का स्थान लेगा या उसकी जगह लेगा, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं चलता हूं आगे थोड़ा सा, देखिएगा दोस्तों, अमेरिका शीत युद्ध शुरू हुआ और शीत युद्ध समाप्त हुआ, उसके बीच में विश्व द्विध्रुवीय था, दो ध्रुव थे शक्ति के, एक यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन अब अमेरिका विश्व में एक ध्रुव बन चुका है शक्ति का, एक केंद्र बन चुका है, एक तरह से सेंट्रलाइज हो गई है शक्ति दुनिया की सारी अमेरिका के ऊपर आकर के, यूएसए के ऊपर आकर के। मैं बात करूं वापस, मैं मेरे मुद्दे पे आ रहा हूं, मूल मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में भी परिवर्तन हुआ, और ब्रिटेन में सत्ता चर्चिल के हाथों से निकलकर क्लीमेंट एटली के हाथों में पहुंच गई। याद रखना दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्ति के बाद जब ब्रिटेन में चुनाव हुए 1945 के,
अंदर अंत तक। तो ब्रिटेन में जो सत्ता थी वो चर्चिल के हाथों से निकलकर पहुंच गई थी एटली के हाथों में, या मैं कहूं अनुदार दल की सरकार अब जा चुकी थी और ब्रिटेन में सरकार आ गई थी मजदूर दल की या लेबर पार्टी की। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि मजदूर दल का दृष्टिकोण भारत को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण था दोस्तों। कैसा? सकारात्मक। भारत के प्रति सकारात्मक मानसिकता थी मजदूर दल की और एटली की भी, और भारतीयों की भी मानसिकता अनुदार दल की तुलना में मजदूर दल के प्रति अच्छी थी, अच्छी थिंक थी भारतीयों के दिमाग में भी, एक अच्छी इमेज थी मजदूर दल की अनुदार दल की तुलना में। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, क्लीमेंट एटली ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत भेजा दोस्तों कैबिनेट मिशन। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। और यह कैबिनेट मिशन भारत आएगा और भारत में संविधान सभा का गठन करेगा। अब अपनी जो चर्चा चलेगी वो चर्चा प्रॉपर चलेगी कैबिनेट मिशन पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एटली की सरकार बनी ब्रिटेन में और एटली की सरकार ने भारत भेजा कैबिनेट मिशन। और यह कैबिनेट मिशन कब आया, कितने सदस्य थे, क्या योजना दी इसने, क्या भारतीय संविधान सभा के बारे में इसने अपने विचार दिए, उन सब की चर्चा मैं कर रहा हूं आपके सामने। अब नेक्स्ट देखिएगा, हमारा मुद्दा है कैबिनेट मिशन। ध्यान से देखना, अक्सर संविधान सभा का प्रश्न जब क्रिएट होता है तो उसमें कैबिनेट मिशन से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है दोस्तों, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि कैबिनेट मिशन का गठन, माफी चाहूंगा, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, देखिए दोस्तों कब हुआ, 24 मार्च 1946 को। क्या हुआ दोस्तों? कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य? 3 सदस्य। और ये 3 सदस्य कौन कौन थे, इनको आपको जरूर याद करना है। क्यों याद करना है? प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, या निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन में सम्मिलित नहीं था। पहला पैथिक लॉरेंस दोस्तों, ये लीजिए पैथिक लॉरेंस। दूसरा एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर दोस्तों। तीसरा मेंबर स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे क्रिप्स मिशन में, ये आपको जरूर याद रखना है। लगे हाथ दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताता चलूं, आप इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि अब ये प्रश्न बड़ा आम हो चुका है। कौन सा? कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ये 24 मार्च 1946 को भारत आया, 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की। ये क्वेश्चन बड़े आम हो चुके हैं दोस्तों। आपको मैं 3 नई चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखना। हो सकता है कि अब आपसे क्वेश्चन यहां से पुटअप हो, कैसे, कि पैथिक लॉरेंस उस समय किस पद पर थे ब्रिटेन में। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत मंत्री, या मैं बोलूं भारत सचिव, पैथिक लॉरेंस थे। और एक और बात याद रखना, ये पैथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन में क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष, ये भी ध्यान रखना। बात करें एवी अलेक्जेंडर की और स्टेफर्ड क्रिप्स की, तो एवी अलेक्जेंडर उस समय नौसेना मंत्री थे। कौन से? नौसेना मंत्री। इनके पास नौसेना विभाग था, तो नौसेना मंत्री बोल दूं, नौसेना विभाग बोल दूं, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स उस समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे ब्रिटेन में। किसके अध्यक्ष थे? व्यापार मंडल के। ये भी आपको लगे हाथ याद रख लेना है। अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, क्या पता सामने एक तरफ ये रखे और एक तरफ ये रखे, कहे सुमेलित कीजिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए दोस्तों, स्टेफर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल, अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, नौवहन विभाग भी लिख सकता हूं, कई बार लिख देते हैं, ऐसा कंफ्यूज होना नहीं है, किसी किताब में नौवहन विभाग मिल जाएगा, नौसेना। मैंने बताया ही था आपको कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय ब्रिटेन का नौसेना में एक छत्र राज था दुनिया में,
सबसे मजबूत सेना मानी जाती थी नौसेना ब्रिटेन की, सबसे मजबूत नौसेना ब्रिटेन की मानी जाती थी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंडल के थे, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री या भारत सचिव। इस कैबिनेट मिशन ने अगर आपसे यह पूछे कि अपनी योजना कब प्रकाशित की, तो यह अपनी योजना प्रकाशित करेगा 16 मई 1946 को। यह भी आपको ध्यान में रखना है, कब प्रकाशित करेगा 16 मई 1946 को। एक बात और बता दूं दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कैबिनेट मिशन 24 मार्च को ही भारत आ गया था, फिर 16 मई तक क्या करा था, 16 मई को योजना प्रकाशित क्यों की, पहले क्यों नहीं की? तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, भारत एक विशाल राष्ट्र था और भारत जैसे विशाल राष्ट्र के लिए संविधान सभा के गठन का काम सौंपा गया था कैबिनेट मिशन को। अब कैबिनेट मिशन भारत आएगा तो भारत जैसे विशाल राष्ट्र की परिस्थितियों का जायजा भी तो लेगा, परिस्थितियों का अवलोकन करेगा कि कैसी परिस्थितियां हैं, कैसा माहौल है, कितनी जनसंख्या है, कितने सदस्य होने चाहिए संविधान सभा में, कैसे बन सकता है, कितने मेंबर्स का होना जरूरी है, इन सब परिस्थितियों का जायजा भी तो लेगा। बात करूं दोस्तों आगे, कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना तैयार की और सारी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित कर दी। और वो योजना क्या थी, उस योजना पर चर्चा करूंगा मैं अब आपके साथ। उससे पहले मैं आपको दो बातें बता दूं, कैबिनेट मिशन जब भारत आया, या मैं कहूं कि जब भारत में संविधान सभा का गठन हो रहा था, अगर आपसे पूछ ले उस समय भारत की आबादी, तो याद रखना दोस्तों उस समय भारत की आबादी थी लगभग 39 करोड़। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लगभग भारत की आबादी 39 करोड़ थी उस समय जब भारत में संविधान सभा का गठन हो रहा था या भारत आजाद हुआ उस समय। बात करता हूं मैं थोड़ी आगे, कैबिनेट मिशन ने क्या योजना प्रकाशित की और उस योजना के क्या क्या बिंदु, क्या क्या चरण रहे, मैं उन बिंदुओं को आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा एक एक बिंदु पे। पहला बिंदु, कैबिनेट मिशन। देखिए दोस्तों, पहला बिंदु क्या होगा, पहला बिंदु कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या होगी 389। कितनी होगी? 389। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पुट अप हो क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी बताई, तो या कितनी निर्धारित की, तो आपका उत्तर आएगा 389। और जैसा कि मैं आपको पहले ही क्लासों में बता चुका हूं कि उस समय भारत तीन भागों में बटा हुआ था, एक होते थे ब्रिटिश प्रांत, एक थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और एक देसी रियासत, आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों से ही क्रिप्स मिशन में ही यह बात कही जा चुकी थी कि भारत की संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा। और यह भी कह चुके थे कि यदि कोई प्रांत या रियासत अपने आप को संविधान सभा से अलग रखना चाहे तो रख सकती है, अर्थात या मैं कहूं कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार रखना चाहे तो रख सकती है। यह बात भी क्रिप्स मिशन में ही कही जा चुकी थी। चलता हूं आगे, 389 सीटें टोटल होनी थी, इन 389 में से यह निर्धारित किया गया कि ब्रिटिश प्रांत से कितनी सीटें होंगी, तो बोले ब्रिटिश प्रांतों से कितनी होंगी, 292 सदस्य होंगे। बोले कितने सदस्य, 292। और बोले चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, तो बोले चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य होंगे। जैसा कि आपको पता भी है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र संख्या में भी 4 ही थे। और बोले देसी रियासतों से, तो देसी रियासतों से 93 सदस्यों को लिया जाना था देसी रियासतों से। कितने सदस्य, 93। देख लीजिए दोस्तों हो गए टोटल कितने, 389 389। मैं दो बातें कर रहा हूं आपके सामने, यहां से ध्यान दीजिएगा, हल्का सा अंतर है इनमें, क्या अंतर है सुनना, याद रखना दोस्तों। अगर मैं बोलूं ब्रिटिश प्रांत, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं 11 ब्रिटिश प्रांतों की, क्योंकि उस समय की संख्या में भी कितने थे, 11। मैं बोलूं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये 4 ही थे संख्या में भी, और सीटें भी कितनी, 4। और देसी रियासतों की मैं बात करूं, तो याद रखना दोस्तों देसी रियासतें उस समय संख्या में लगभग हो गई थी 565। कितनी, 565, ये आपको याद रखना है। आगे अगर मैं देखूं, 565 देसी रियासतें थी उस समय भारत में,
याद रखना, देसी रियासतों को एक अन्य नाम से भी जानते थे, रजवाड़े। किस नाम से? रजवाड़े। एक और बात ध्यान रखना, देसी रियासतें से 93 तस्से जो आने थे, यह निर्णय लिया गया कि देसी रियासतों से सस्ते होंगे मनोनीत। मैं एक बार इस मुद्दे को बाद में लूंगा, थोड़ा वापस आ रहा हूं। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, याद रखना, अगर इन दोनों को मैं साथ बोलूं तो मैं बोलूंगा ब्रिटिश भारत। क्या बोलूंगा दोस्तों? ब्रिटिश भारत। ऐसा भारत जिस पर ब्रिटेन का नियंत्रण था सीधा। कहने का मतलब, ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों पर सीधा किसका नियंत्रण था? ब्रिटेन का। किसका नियंत्रण दोस्तों? ब्रिटेन का। इसीलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाएगा ब्रिटिश भारत। रही बात देसी रियासतों की, तो बोले इन पे किनका नियंत्रण था सर? तो इस पर सीधा राजा महाराजाओं का नियंत्रण होता था, राजा महाराजाओं का शासन होता था देसी रियासतों में। तो ध्यान रखना, इसीलिए इनको बोलते थे रजवाड़े। अगर मैं बोलूं अब ब्रिटिश भारत, तो आपको तुरंत समझ जाना है मैं 296 सीटों की बात कर रहा हूं। मैं बोलूं ब्रिटिश प्रांत, तो आपको समझ जाना मैं 292 सीटों की बात कर रहा हूं। ये आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा यहां बहुत अच्छे से कंफ्यूज हो जाता है कि बार बार ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश प्रांत। तो भाई ब्रिटिश भारत का मतलब ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र दोनों आ गए, ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलिए, एक और बात याद रखनी है यहां से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने ये बताया कि ब्रिटिश प्रांत संख्या में 11 थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे? 4, और देसी रियासतें लगभग 565, और आप ये बता रहे हो कि संविधान सभा में 292 सदस्य लिए जाएंगे ब्रिटिश प्रांतों से और देसी रियासतों से 93, कि सर ये तो भेदभाव हो गया। ब्रिटिश प्रांत संख्या में 11 है और मेंबर कितने आ रहे हैं? 292। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4, चलो ठीक है 4 मेंबर आ रहे हैं, और देसी रियासतों के साथ क्या हो रहा है? ये तो पार्सिबिलिटी हो रही है कि 93 सदस्य आ रहे हैं 565 देसी रियासतों से। तो जानकारी के लिए बताता चलूं दोस्तों, ये पार्सिबिलिटी नहीं है। एक्चुअल में क्या था, संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया था, वो संविधान सभा में एक सदस्य को जो चुना जाना था, जो प्रतिनिधित्व दिया जाना था एक सदस्य का, वो कितना था? लगभग 1,000,000 की जनसंख्या पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखा हूं मैं आपके सामने, ध्यान रखना, 1,000,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था संविधान सभा में, एक सदस्य का चुनाव। लगभग कितनी जनसंख्या? 1,000,000। एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, लगभग 1,000,000 लगभग, ये ध्यान रखना। अगर आपसे प्रश्न पूछे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों के आधार पे, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका उत्तर आएगा जनसंख्या के आधार पे, और कितना? लगभग 1,000,000 की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था, याद रखना इस बात को। अब आप मेरे से कहेंगे तो सर आप ये बता दीजिए, आपने बताया कि टोटल आबादी उस समय भारत की कितनी थी? 39 करोड़। कितनी थी? 39 करोड़। और आप कह रहे हो सदस्य कितने आ रहे हैं? 389। तो फिर 390 आने चाहिए थे ना, राउंड फिगर में 390 ले लेते, 389 क्यों? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि 1,000,000 फिक्स नहीं थी जनसंख्या, कि 1,000,000 की जनसंख्या पर एक, अप्रोक्सीमेट 10, लगभग 1,000,000 की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 1,000,000 पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लीजिए किसी क्षेत्र की आबादी जो एक साथ था 1,020,000 है, किसी क्षेत्र की आबादी 980,000 है, अब उसमें दूसरी आबादी नहीं डालेंगे, तो 1,020,000 के लिए भी एक, 1,020,000 के लिए भी एक आ जाएगा और 980,000 के लिए भी एक आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है लगभग 1,000,000 आंकड़ा था, एग्जैक्ट 1,000,000 नहीं था, इसलिए 389 सदस्य संख्या निकल कर आई। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मेरा उद्देश्य यह है, संविधान सभा जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य यह है कि इस टॉपिक को अगर आप एक बार पढ़ें तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ लें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको खुलकर दिमाग में आ जाए, हर चीज आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं एक एक मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूं, मैंने डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं बताई, हर बात को बताने के साथ उसका लॉजिक रखा है आपके सामने। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे, इन सब चर्चाओं को करने के बाद यह फैसला लिया गया कि साहब इन 389 सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, निर्णय यह लिया गया था कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कह चुके थे कि भारतीय संविधान सभा व्यस्क मताधिकार पर चुनी जाएगी। दोस्तों कैसे? व्यस्क मताधिकार पर, नेहरू जी ने कहा था, लेकिन उस समय व्यस्क मताधिकार पर चुनाव करवाना संभव नहीं था दोस्तों।
भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतनी मशीनरी नहीं थी कि भारत वयस्क मताधिकार पर चुनाव करवा सके। इसलिए क्या निर्णय लिया गया? निर्णय यह लिया गया दोस्तों कि जो ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य, ध्यान रखना दोस्तों 296 बोल रहा हूं, ये 296 सदस्य होंगे, इन 296 का तो करवाया जाएगा ब्रिटिश भारत का चुनाव, 296 सीटों के होंगे चुनाव, और जो देशी रियासतों के 93 सदस्य होंगे बोले ये किए जाएंगे मनोनीत। क्या किए जाएंगे? मनोनीत। और मनोनीत कौन करेगा? तो इनको मनोनीत करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा बोले, जिसमें राजा महाराजा भी सम्मिलित होंगे, एक समिति का गठन करेंगे और यह समिति 93 सदस्यों को करेगी मनोनीत। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब मैं आ रहा हूं आगे, और जो 296 सदस्य होंगे ब्रिटिश भारत के बोले उनका क्या होगा? तो सर मैं पहले ही कह चुका हूं जैसा कि आपको कि इनका चुनाव करवाया जाएगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर इनका चुनाव कैसे करवाया जाएगा, वयस्क मताधिकार पर, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी चर्चा कर रहा हूं मैं आपसे। अभी देखिए दोस्तों आगे, पहली चीज कैबिनेट मिशन जारी है अपना। मैं कैबिनेट मिशन को बहुत एक एक बातों को क्लियर कर रहा हूं मैं, जिससे कि आपको दोबारा इसे देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट एक बार में ही अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए आगे, यह निर्णय लिया गया कि जो ब्रिटिश भारत कि 296 सीटें होंगी, इन 296 सीटों का चुनाव करवाया जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे करवाया जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से। और बोले कौन करवाएगा अप्रत्यक्ष रूप से करवाएगा? तो जरा ध्यान से सुनना, जो 11 ब्रिटिश प्रांत उस समय थे, 11 ब्रिटिश प्रांत उस समय थे, इन ब्रिटिश प्रांतों में जो विधानमंडल थे, क्या थे? विधानमंडल। बोले इन विधानमंडलों की जिम्मेदारी होगी इन 296 सदस्यों का चुनाव करने की। अर्थात एक तरह से मैं ये कहूं कि ब्रिटिश भारत के 296 सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश प्रांतों की विधानमंडलों को सौंप दी गई, या ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडलों को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप इन 296 सदस्यों का चुनाव करवाओगे, अप्रत्यक्ष रूप से करवाएंगे। किस निर्वाचन प्रणाली से करवाएंगे? अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में ब्रिटिश भारत की 296 सीटों का चुनाव किस निर्वाचन प्रणाली से करवाया गया, तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। कौन सी निर्वाचन प्रणाली? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली से, चुनाव प्रणाली से। बोले इस प्रणाली से जो 296 सदस्यों के हैं ब्रिटिश प्रांतों के, उनका चुनाव करवाया जाएगा, और चुनाव होंगे अप्रत्यक्ष रूप से, और इन चुनावों की जिम्मेदारी किस पर सौंपी गई या किस पर छोड़ी गई? तो ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडलों पर छोड़ी गई। और ये कितने थे ब्रिटिश प्रांत उस समय? 11। आप सोच रहे होंगे कि सर ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडलों का मतलब क्या हुआ? जो नए बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं राजव्यवस्था को, उनके यहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना। जैसे दोस्तों आज भारत में 28 राज्य हैं, आज इन 28 राज्यों, ध्यान सुनना, इन 28 राज्यों की खुद की सरकार होती है, अर्थात राज्यों में विधानमंडल होता है। उसी प्रकार उस समय भी विधान, जो ब्रिटिश प्रांत थे उन ब्रिटिश प्रांतों में विधानमंडल हुआ करते थे और उनकी खुद की सरकार हुआ करती थी, याद रखना। और उन्हें 11 ब्रिटिश प्रांतों के विधानमंडलों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इनका चुनाव करवाओगे। एक बात तो यह दोस्तों, मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं। मान लीजिए कि अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा थी डैश डैश डैश, पहला ऑप्शन पूर्ण रूप से निर्वाचित, दूसरा ऑप्शन पूर्ण रूप से मनोनीत, तीसरा ऑप्शन आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत, और अंतिम ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों ध्यान रखना आपका उत्तर आएगा 3 नंबर, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत। आप कहेंगे कैसे? मैंने आपको बताया दोस्तों कि ब्रिटिश भारत के 296 सदस्यों का करवाया जा रहा है चुनाव, और
जो 93 सदस्य हैं देसी रियासतों के, उन 93 सदस्यों को क्या किया जा रहा है? मनोनीत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मनोनीत किया जा रहा है। और दोस्तों याद रखना, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा आंशिक रूप से निर्वाचित एवं आंशिक रूप से मनोनीत। इस कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आपके जहन में 2-3 प्रश्न उठ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 1 कि सर ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली होती क्या है? एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली ले लीजिए आप, या मतदान शब्द ज्यादा सटीक बैठेगा, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। सर क्या होती है ये? तो इसको मैं जरूर क्लियर करना चाहता हूं और आप एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना। आगे चलिए नेक्स्ट पेज, मैं बता रहा हूं आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली होती क्या है। दोस्तों इसको एक एक बिंदु को ध्यान से समझिएगा, अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। आज भारत में बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और जिन 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, उन 6 राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से करवाए जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर आपको यह याद रख लेना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, उन 6 राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। आप कहेंगे सर 6 राज्य कौन से? हालांकि ये आगे चर्चा करूंगा तब करूंगा, लेकिन बता देता हूं मैं भी मोटा मोटा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार। वर्तमान में भारत के इन 6 राज्यों में है विधान परिषद। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था तब तक जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद अस्तित्व में हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसी दिन से उसी बिल में यह बात रखी गई थी, जो बिल लाया गया था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, की विधान परिषद समाप्त की जाएगी, विधान परिषद अस्तित्व में नहीं होगी। अतः आज केवल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद अस्तित्व में है। बात कर रहा हूं दोस्तों आगे देखिएगा और क्या क्या प्रश्न यहां से हो सकते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से। मैंने एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर कर दिया है पहले ही कि कौन से चुनाव वर्तमान में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, आज हम जब राष्ट्र सरपंच, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, सरपंच, विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, जिसमें लोकसभा सदस्य की बात कर रहा हूं मैं, यदि इन तीनों के चुनावों की बात करें तो ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। इनमें क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर रहा हूं कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली क्या होती है। अगर मैंने किताबी ज्ञान यहां पर रखने की कोशिश की तो यह बात समझ में आएगी नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगी। होता क्या है, मान लीजिए सरपंच के चुनाव है, एमएलए के चुनाव है, एमपी केवल लोकसभा सदस्य की बात कर रहा हूं के चुनाव है, तो क्या होगा? मान लीजिए 4 उम्मीदवार खड़े होते हैं ए बी सी डी, तो होता क्या है, इनमें कौन सी निर्वाचन प्रणाली काम में आती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब इंग्लिश में बोल रहा हूं मैं, अब बोल रहा हूं हिंदी में, अग्रताही विजेता, अर्थात जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा वही विजेता होगा। इनमें यह सिस्टम चलता है, इस प्रणाली से होते हैं। आप मेरे से कहोगे कि सर विजेता तो वही होगा जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करेगा, और कम वाला थोड़ी होगा। मेरे भाइयों बात मैं उस एंगल से नहीं कर रहा हूं जिस एंगल से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां मेरा मतलब है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत बोल दूं, अग्रता ही विजेता बोल दूं, या जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता होगा। इसका मतलब यहां यह है कि मान लीजिए मैं तीनों के चुनाव की बात कर रहा हूं, सरपंच, विधायक और लोकसभा सदस्य, अगर टोटल 500,000 वोट थे, कितने वोट थे? 500,000। मान लीजिए इनके चुनाव हुए, किसके? विधायक के मान लीजिए, लोकसभा सदस्य के मान लीजिए, और टोटल 500,000 वोट पड़े, एक को मिल गए 200,000, बी को मिल गए 150,000, 1.5 लाख, सी को मिल गए 1 लाख और डी को मिल गए 50,000, मान लीजिए 50,000 हो गए क्या टोटल 500,000? देख लीजिए एक बार हो गए, कौन जीत जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे सर ए जीत जाएगा,
किस स्थिति में? जब ये लोकसभा सदस्य के चुनाव हो या विधायक के चुनाव हो या सरपंच के, सरपंच में इतनी वोटिंग होती नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, क्यों? मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो विजेता होगा। अब यहां ये कोई कंडीशन नहीं होती है कि उसको आधे से ज्यादा वोट मिलने ही चाहिए, यहां कोई फिक्स कंडीशन नहीं होती है, बस सबसे ज्यादा मिलने चाहिए, चाहे वो कितने ही क्यों ना हो वही होगा विजेता। दोस्तों ये होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अर्थात अग्रता ही विजेता, चुनावों में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले की जीत। इस प्रणाली से भारत में ये चुनाव करवाए जाते हैं। अब बात आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली की। मैं चर्चा कर रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए प्रॉपर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली क्या होती है याद रखना, जिन चुनावों में यह प्रणाली काम में आती है उन चुनावों में जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। यह निश्चित कोटा अलग अलग होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में अलग होता है, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में अलग होता है, अलग अलग सूत्र आते हैं इनके। राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर लेता हूं मैं अभी प्रेजेंट में, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में समझा देता हूं मैं आपको क्या होता है निश्चित कोटा और क्या होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, समझना। राष्ट्रपति के चुनाव थे मान लो, टोटल कैंडिडेट खड़े करते हैं अपन चार, ए बी सी डी, चार कैंडिडेट खड़े। सिंपली क्या होता है लोकसभा सदस्यों के चुनाव में और विधानसभा सदस्यों के चुनाव में, जितने भी कैंडिडेट खड़े हो मतदाता जो जाएगा वो उनमें से एक उम्मीदवार को वोट देगा जो उसको सबसे अच्छा लगता है और आ जाएगा। लेकिन जो चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति के संपन्न होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसमें जो मतदाता, पहले तो मैं आपको यह भी बता दूं लगे यार, राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं याद रखना, आपको अजीब सा लगेगा सुन के, उनको हम मतदाता नहीं कह सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वालों को हम निर्वाचक कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है निर्वाचक मंडल। मैं प्रॉपर जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा ना आपको, तब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली पे लेके चलूंगा कि निर्वाचक क्यों कहते हैं। अभी के लिए आप इतना सुन लीजिए और इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं उसको मतदाता नहीं कहेंगे बल्कि निर्वाचक कहेंगे, ये बात ध्यान में रखना, आप डाल लीजिएगा। और सिंपली जो लोकसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्य के चुनाव होते हैं उनको अपन बोलते हैं मतदाता। चार कैंडिडेट खड़े थे, मान लीजिए मैं वोट देने गया और आपको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और भारत की समस्त राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। याद रहे बात, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं बल्कि एक राज्य के सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं। आप कहोगे कैसे, अनुच्छेद 54 ग जब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट में वहां मैं इस चीज का जिक्र करूंगा, दिल्ली और पुदुचेरी को एक राज्य के रूप में भी माना गया है वहां पे, और एक राज्य के रूप में ही ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। खुलकर चर्चा मैं करूंगा वहां पे, अभी मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, बेसिक बेसिक सी नई दो बातें बताई मैंने आपको, मतदाता और निर्वाचक में क्या अंतर होता है, और एक मैंने ये बताया है कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो सदस्य भाग लेते हैं विधानसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में वो केंद्र शासित प्रदेश की हैसियत से नहीं लेते हैं दोस्तों बल्कि एक स्टेट की हैसियत से लेते हैं। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो आप, वो तो यूटीज है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल संवैधानिक शब्दावली की बात कर रहा हूं, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, आर्टिकल 54 ग। जब आप संविधान के बेरक को खोल के देखेंगे तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ए टू जेड क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था क्लास स्टार्ट करने से पहले, दोस्तों हम बात करेंगे विभिन्न डायमेंशंस की, हम बात करेंगे पॉलिटी ए टू जेड, हम बात करेंगे बॉटम टू टॉप, और यही होता है दोस्तों बॉटम और क्या होता है टॉप, ये अंतर आपको धीरे धीरे इन क्लासों में नजर आने लग जाएगा। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में जो कैंडिडेट भाग लेगा निर्वाचक वो चारों को वोट देगा, चार खड़े हैं तो चारों को, आठ लोग खड़े हैं उम्मीदवार तो आठ को वोट देगा, पांच खड़े हैं पांच को वोट देगा, दो खड़े हैं दोनों को वोट देगा। आप कहेंगे सर कैसे, फिर ऐसे तो कोई जीतेगा ही नहीं, आप देखिए कैसे वोट देगा और कैसे देगा, समझना बात को एक एक चीज को। मान लीजिए मैं गया चुनाव में भाग लेने के लिए, वोट देने के लिए, मान लीजिए एक बार के लिए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। चलिए आगे, मान लीजिए इन चारों में मुझे सबसे बढ़िया कैंडिडेट लगता है बी, तो मैं मेरा वोट रख दूंगा बी को,
और इसके सामने अपनी वरीयता अंकित कर दूंगा। मेरा काम यही खत्म नहीं हुआ कि मैंने मेरा वोट दे दिया, मैं तीनों को भी वोट दूंगा लेकिन वरीयता अंकित करूंगा। मान लीजिए मेरी सेकंड प्रायोरिटी है सी, तो ये लो साहब, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, ये लो साहब। थर्ड प्रायोरिटी मान लीजिए ए मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, ये लो साहब। अब बात करें डी, ये मेरी फोर्थ प्रायोरिटी है, ये लो। आपने क्या देखा कि सर ये क्या कर दिया आपने, आपने तो चारों को ही वोट दे दिया। जी हां मैंने चारों को वोट दिया, लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने चारों के सामने अपनी वरीयता अलग अलग अंकित की है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। ऐसे ही मान लीजिए एक अदर पर्सन, किसी भी व्यक्ति का हम नाम लेते हैं मोहन नाम के कोई निर्वाचक हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल विधानसभा के सदस्य हैं, वो आते हैं वोट देने। क्या नाम है? मोहन। वोट देने गए मोहन भी, वो भी चारों को वोट देंगे जैसे मैंने दिया चारों को, लेकिन वही बात अपनी वरीयता अंकित करेंगे, प्रायोरिटी के में देंगे वोट। जैसे मैंने अपनी प्रायोरिटी में पहले नंबर पे किसको दिया था? बी को। मान लीजिए मोहन अपनी पहली प्रायोरिटी देते हैं सी को, तो ये लीजिए साहब मोहन, एक नंबर वरीयता अंकित कर दी। दो नंबर मान लीजिए मोहन का ये है चार, डी को, ये लो दो नंबर। तीन नंबर मान लीजिए मोहन का ये है, ये लीजिए तीन नंबर। और ये लीजिए मोहन का चौथी प्रायोरिटी है एक, ए नंबर, एक को उन्होंने चौथी प्रायोरिटी, चार नंबर। आपने क्या देखा? वोट मैंने भी चारों को दिए, वोट मोहन ने भी चारों को दिए, लेकिन मेरी और मोहन की प्रायोरिटी अलग अलग है। मेरी पहली प्रायोरिटी कौन है? बी। और मोहन की पहली प्रायोरिटी कौन है? सी। ऐसे ही अब एक अदर पर्सन और ले लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल के लिए, एक हम ले लेते हैं रवि, रवि नाम के व्यक्ति गए वोट देने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी पहली प्रायोरिटी दी सी को दी, मान लीजिए रवि ने भी अपनी पहली प्रायोरिटी किसको दी? सी को दी, ये लो साहब पहली प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी इन्होंने भी दी बी को, ये लीजिए सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी इन्होंने किसको दी? ए को, ये लीजिए। और फोर्थ प्रायोरिटी इन्होंने किसको दी? ये लीजिए। आपने क्या देखा? आपने देखा कि वोट मैंने भी चारों को दिया है, वोट मोहन ने भी चारों को दिया है, और वोट रवि ने भी चारों को दिया है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति को प्रायोरिटी कर रहे, वरीयता पे रख रहे हैं हम लोग। फिर कहेंगे सर वोट किसके काउंट होंगे? तो जब काउंटिंग होगी वोटों की, तो पहली काउंटिंग में मेरा वोट गिना जाएगा बी के, मोहन का वोट गिना जाएगा सी के, और रवि का वोट भी किसके गिना जाएगा? सी के, क्योंकि रवि की भी पहली प्रायोरिटी ये है। काउंटिंग में ऐसे होगी काउंटिंग, मेरा वोट एक के गिना जाएगा, और किसके गिना जाएगा देख लीजिए आपके सामने, बी के गिना जाएगा, मोहन का और रवि का वोट सी को गिना जाएगा। ये होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। काउंटिंग हुई, रिजल्ट आया। अगर मान लीजिए किसी एक को 50% प्लस 1, मैंने बताया आपको राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए निश्चित कोटा होता है कुल वैध मतों का आधे से ज्यादा। अब आधे से ज्यादा कितना भी हो सकता है, प्लस वन, एक हो, दो हो, और इसका एक सूत्र होता है कुल निर्वाचक बटे निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्लस वन प्लस वन। ये मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा तब तो आपको बताऊंगा। काउंटिंग में वोट काउंट हुए और रिजल्ट आया, पता चला एक को आधे से ज्यादा मिल गए, वो विजेता हो जाएगा, काम खत्म हो गया। मान लीजिए किसी एक को भी आधे से ज्यादा नहीं मिले तो क्या होगा? तो फिर इन चारों में से जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसके वोटों को खोल लिया जाएगा और बचे हुए तीन में बांट दिया जाएगा। कैसे बांट दिया जाएगा? वरीयता के आधार पर, बराबर नहीं कि तीनों में बराबर बांट देंगे, वरीयता। वरीयता कैसे? मान लीजिए इन चारों में वोटिंग के बाद में रिजल्ट आया तो सबसे कम वोट बी को मिले तो साहब बी को अलग कर लेंगे, और बचे हुए तीन ए सी और डी इनमें इन बी के वोटों को बांट दिया जाएगा। बी के वोटों को कैसे बांटेंगे? प्रायोरिटी के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से। मैंने मेरा वोट किसको दिया था? बी को, और आपने देखा बी तो हार गया, सबसे कम वोट आए, वो बाहर हो गया कंपटीशन से, दौड़ से ही बाहर हो गया। अब मेरा वोट खराब नहीं होगा दोस्तों, मेरा वोट जाएगा सेकंड प्रायोरिटी, मेरी सेकंड प्रायोरिटी, मेरी पहली प्रायोरिटी का बंदा हार गया, मेरी सेकंड प्रायोरिटी किसके पास थी? देखिए सी के पास। अब मेरा वोट भी सी के पास चला गया, और जब दोबारा काउंटिंग होगी तो मेरा वोट, अब बी तो बाहर हो गया कंपटीशन से, दौड़ से ही बाहर हो गया, तो मेरा वोट भी सी के काउंट होगा। और ये कब तक किया जाएगा? फिर दोबारा काउंटिंग होगी
और तीनों में से किसी एक को मिल गए आधे से ज्यादा वो विजेता, फिर भी नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में से फिर ऐसे व्यक्ति को छांटो जिसको सबसे कम मिले उसको बाहर कर लो और उनके वोटों को वापस खोल के और जो बचे हुए दो हैं उनमें बांट दो। कैसे? वरीयता के आधार पे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए दोबारा काउंटिंग हुई तो डी हार गया, डी बाहर हो गया, फिर डी के वोट बटेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं तीन ही लोग वोट देंगे, और भी सारे लोग वोट देंगे, तो जो डी को पहली प्रायोरिटी पे वोट दिया था उसका वोट अब सेकंड प्रायोरिटी को ट्रांसफर होगा। यह प्रणाली तब तक अपनाई जाएगी जब तक किसी एक को क्या नहीं मिल जाता, कुल वैध मतों का आधे से ज्यादा, अर्थात जीतने के लिए निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। यह प्रणाली इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि यदि किसी एक को आधे से ज्यादा न मिले तो दोबारा वोट न करवाने पड़े, वोटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है ऐसे। इसीलिए याद रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली को हम एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों वोटों का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होते हैं वोट, इसे सिंगल मेथड ट्रांसफर सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल मेथड ट्रांसफर सिस्टम भी कहते हैं इसको। और यही प्रणाली मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको दोबारा से रिपीट करूंगा, उम्मीद करता हूं कि एक बार में ही आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है इसको बड़े सिंपल लहजे में समझाने की। इस प्रणाली से करवाए गए थे संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव, जो 296 सदस्यों के करवाए गए थे, ब्रिटिश भारत से संबंधित थे, ये प्रणाली थी। मैंने सारी बातें जो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की हो सकती थी वो आपके सामने रख दी है दोस्तों। कैसे चुनाव हुए, कहां से कितने सदस्य चुनकर आने थे, कितने सदस्य मनोनीत होने थे, ये सब बातें आपने कर ली। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व या क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर चुनाव हुए, अप्रत्यक्ष हुए, कैसे हुए, ये भी मैंने बता दिया। एक बात लगे हाथ और बता रहा हूं आपको ध्यान रखना, जो देशी रियासतों के 93 सदस्य थे दोस्तों, इन्होंने संविधान सभा में सम्मिलित होने से मना कर दिया पहले कि हम संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होंगे। बाद में एक एक करके ये संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि सरदार पटेल के प्रयासों से देशी रियासतों का भारत में विलय होगा और जैसे जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर होंगे ये सदस्य संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लेकिन इसकी कोई निश्चित डेट नहीं मिलती कि किसने कब किया, बस इतना याद रखना कि धीरे धीरे बाद में देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। एक मजेदार प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहा हूं फैक्ट का, भारत में एकमात्र देशी रियासत अगर आपसे पूछ ले जिसका संविधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था तो दोस्तों उत्तर आएगा हैदराबाद। क्या आएगा दोस्तों? हैदराबाद। यह बात आपको जरूर याद रखनी है। और एक और बात बता दूं, आपने सुना होगा पढ़ा होगा बहुत सी जगह कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जी नहीं दोस्तों, यह गलत बात है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह बात सत्य है। मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे पंजाब से, यह बात याद रखनी है आपको, विशेष प्रश्न है। और बता दूं आपको, महात्मा गांधी खुद तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन उन्होंने कई व्यक्तियों के नाम दिए थे कांग्रेस को, सुझाए थे कांग्रेस को, लिखकर दिए थे और उनको संविधान सभा में निर्वाचित किया भी गया था महात्मा गांधी के सुझाव पर। यह बात भी आपको याद रखनी है। यह आपका कैबिनेट मिशन था, टोटल मेंबर कितने थे, कहां से कितने आने थे, चुनाव किनका हुआ, मनोनीत कौन हुए, चुनाव हुए तो कैसे हुए, किसने करवाए, किस निर्वाचन प्रणाली से करवाए, क्या होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, देशी रियासतों ने क्यों मना किया, मैं पहले ही कह चुका हूं राजा महाराजाओं का शासन था, वो शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि राजा महाराजा एक शाही जीवन के आदि थे और अगर वो संविधान सभा में सम्मिलित होते तो भारत एक लोकतंत्र बनने जा रहा था, उन्हें एक आम आदमी का जीवन गुजर बसर करना पड़ता, इस वजह से उन्होंने सम्मिलित होने से मना किया। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से उनका एकीकरण हुआ देशी रियासतों का भारत में, उन्होंने विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और जैसे जैसे हस्ताक्षर किए वैसे वैसे संविधान सभा में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ये थी अपनी कैबिनेट मिशन की चर्चा, जो बड़ी ओपन चर्चा अपन ने की है, एक एक बिंदु पर अपन ने चर्चा की है जिससे हम आसानी से समझ सके कि कैबिनेट मिशन क्या था और कैसे भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब बात करेंगे दोस्तों हम आगे कि जो ये 296 सदस्य थे, याद रखना, एक प्रश्न और बता के जा रहा हूं मैं अभी, फिर इस सेशन को मैं खत्म कर रहा हूं दो चार बातें बता के, कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें 296 सदस्यों के जो चुनाव करवाए गए थे वो करवाए गए थे जुलाई अगस्त 1946। ये बात भी आपको लगे हाथ ध्यान रखनी है, जुलाई अगस्त 1946 में करवाए गए थे संविधान सभा की, ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के चुनाव, याद रखना ये बात। कब है? जुलाई अगस्त 1946, 296 सीटें। किसने कितनी सीटें जीती इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं एक मिनट के अंदर, जस्ट इन वन मिनट। 296 सीटों के लिए चुनाव हुए और जैसा कि आपको पता है कि जैसे आज राजनीतिक दल भाग लेते हैं वैसे ही राजनीतिक दलों ने भाग लिया उस समय के, इन 296 में से 208 सीटें मिली दोस्तों कांग्रेस को, सबसे ज्यादा, जैसा कि लाजमी भी था, सबसे बड़ी पार्टी थी।
73 सीटें मिली इसमें मुस्लिम लीग पार्टी को, किसको दोस्तों, मुस्लिम लीग, और 15 सीटें अन्य दलों को, अन्य पार्टियों को, अन्य दलों को, सीपीआई था, समाजवादी दल था, आदि कई दल थे जिन्हें एक एक सीटें मिली थी, बहुत सारे राजनीतिक दल थे, तो 15 सीटें अन्य दलों को मिली थी, टोटल हो गई 296 सीटें। ऐसे चुनाव हुए और चुनाव संपन्न होने के बाद अब हम नेक्स्ट सेशन में जो चर्चा करेंगे संविधान सभा के फोर्थ सेशन में, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस संबंध में चर्चा करेंगे हम, तो मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं कि इन सदस्यों के चुनाव के बाद जो संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई, संविधान निर्माण का जो कार्य शुरू होगा, उस कार्य पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। जुड़े रहिएगा इस प्लेटफॉर्म के साथ, मैं और मेरी टीम आपके कंपटीशन के इस भंवर को क्रैक करने के लिए आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे और आपको एक नई स्ट्रेटेजी, नई ऊर्जा के साथ लगातार जोड़े रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।